मॉर्निंग। हटो सरदार। अरे क्या हुआ यार? अब क्या होगा, मेरी अम्मी गांव से वापस आ गई हैं और तुम पूछ रहे हो कि क्या हो गया। और मोहल्ले वालों ने उन्हें सब बता दिया है मेरे और तुम्हारे बारे में। क्या मेरे और तुम्हारे बारे में? हम एक दूसरे से सीरियस हैं, कोई टाइम पास नहीं कर रहे। इधर साइड पर आओ, बीच सड़क पे खड़ो के बात मत। ओहो, यार अम्मी मैं उन्हें कैसे बताऊं, उन्हें तुम पसंद ही नहीं हो, वो तुम्हें सही नहीं समझती। लेकिन क्यों, मुझ में ऐसी क्या बुराई है, अच्छा खासा तो हूँ। हाँ नौकरी की फिक्र मत करो, मैं इस्माइल से बहुत जल्द कैफे खरीद रहा हूँ। नहीं तुम मोहल्ला भी खरीद लोगे तब भी कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें कबूल नहीं करेंगी। मुझसे क्या, वो बहुत चिढ़ती हैं। पर तुम बुरा ना मानो, मेरी अम्मी थोड़ी वो है। क्या? गुस्से वाली है। एक बार मैंने बाल कटवा लिए तो उन्होंने मुझसे 10 दिन तक बात नहीं की, इतनी गुस्से वाली है। क्या उन्हें मेरे बाल पसंद नहीं है? नहीं सिर्फ बाल नहीं, तुम उन्हें पूरे ही पसंद नहीं हो सरदार। आओ चलो। वो कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, बड़े नहीं हुए हो। वो कहती है कि असल में मर्द ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर सारी लड़कियां घायल हो जाएं। पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि दूर से आए तो पता चले कि कोई मर्द आ रहा है, पर तुम्हारा वाला तो एक मासूम बच्चे की तरह है। ठीक है नियान, समझ गया, तुम्हारी बातें समझ आ गई हैं। यार तुम बात दिल पे ना लो प्लीज, और मुझे तुमसे कोई मसला नहीं, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो, मासूम मासूम से। अच्छा एक काम करो, तुम अभी जाओ यहाँ से। अब ऐसे तुम बच्चों की तरह नाराज मत हो, बच्चों की तरह से मुराद है जैसे। ठीक है शाबाश, तुम भी बेइज्जत करो। सरदार मेरी बात तो सुनो। सुनो यार पागल होने हाल, बच्चे को नाराज कर दिया। यार मैं अपनी बच्चा कह रही हूँ। ये हो गया मेरा एक। हाँ ये देखो, चलो भाई। मैं तो समझ रहा था इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन आज भी तुमने मुझे हरा दिया। ये तो मेरी अंगूठी का कमाल है। चलो गेम खेलो। उमर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह खेलता है, वो भी मुझे हरा देता है। आखिर पोता किसका है? तो तुम बताओ कैसा है वो, आजकल ठीक ठाक तो है ना? हाँ बल्कि बहुत खुश है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? तुम्हें जरूर पता होगा। अब चुप क्यों बैठे हो, बताओ मुझे। नहीं बता सकता मैं। क्यों नहीं बता सकते भाई? देखो भाई उसने मुझे अपने राज की बात बताई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देखो वो मेरा पोता है, मुझे जानने का हक है। अरे मैं तो उसकी शादी की हर रोज दुआ करता हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या? देखो भाई मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम उससे करते हो। ठीक है यार, देखो क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे रवैये की वजह से ऐसा करता है, उसे कुछ वक्त दिया करो तुम। देखो मेरे दोस्त अल्लाह के वास्ते अपनी जिद छोड़ दो, इंसान कभी भी बदल सकता है। मैं कोई जिद नहीं कर रहा, मैं बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ। देखो अगर उमर की शादी से पहले मैं मर गया तो? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, फजूल की बातें मत करो। बताओ मुझे अभी, बताओ अब, बोलो भी। अभी वक्त है मेरे भाई, अभी वक्त वो है। मेरा पोता है, मुझे जानने का हक है, समझे तुम? गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो तुम, नाराज हूं मैं तुमसे। जैसा दादा वैसा पोता, पर दोनों का दिल सोने का बना हुआ है, दोनों एक जैसे हैं। ये क्या है? कहवा है सर। मतलब मेरी असिस्टेंट मुझे अब कहवा भी सर्व करेगी, मजा आ गया, जबरदस्त। हाँ ये बहुत अच्छा रहता है गले के लिए भी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे सिनान सर, वो सर मैं आपको बता दूं कि आपकी दोपहर के बाद कौन कौन सी मीटिंग्स हैं। दोपहर के बाद क्या है? बिलबोर्ड वाले आएंगे। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो।
मेरे दोस्त हैं वैसे भी। तो फिर मैं कल का शेड्यूल देख लेती हूँ, ठीक है ना? अच्छा रहेगा फिर कल के बारे में भी। डेफनी, क्या हम थोड़ा पुरसुकून हो जाए? हाँ देखो, मैं उमर नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि तुम उमर की तरह मेरे साथ पेश आओ। तुम पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? हाँ हाँ सर, मैं बहुत पुरसुकून हूँ। ऐसा करते हैं कि तुम अपनी पुरानी आदतें भूल जाओ, ठीक है? मुझे जानने की कोशिश करो, तुम उमर को जान गई हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम भी वक्त के साथ साथ एक दूसरे को जान जाएंगे। हाँ सर, ठीक कह रहे हैं आप। वेरी गुड। सिनान, मैं जा रहा हूँ फरियाल से मिलने। ओ जबरदस्त, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, दारिया को भेजूं तुम्हारे साथ या फिर तुम अकेले जाना चाहते हो, बताओ? दारिया मीटिंग में है यास्मीन के साथ। सिनान, तुम मेरे लिए नई असिस्टेंट ढूंढ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, गलती हो। हाँ तो क्या करें फिर? डेफनी को ले जाओ ना अपने साथ, मुझे कुछ पर्सनल काम है लंच के बाद। वैसे भी ये फ्री है। ठीक है, आ जाए। चलो सब लोग चले गए और मैं अब अपना काम करता हूँ। क्या अजीब है यार। ओ हेलो नरमी आंटी। सिनान, कैसे हो मेरी जान? ठीक ठीक, आप बताएं। बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ मेरी जान। नरमी आंटी बोलो। मेरी जान, ओ सॉरी, क्या मैं आज आपकी तरफ आ सकता हूँ? क्यों मेरी जान? किस लिए? बस ऐसा ही मिलने के लिए। ठीक है, क्यों नहीं, तुम आ सकते हो। ठीक है फिर मिलते हैं। मिलते हैं मेरी जान। मेरी जान की खाला, अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपके साथ नहीं चलती हूँ। वैसे भी मैं अब आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ। सही कहा, तुम अब सिनान की असिस्टेंट हो। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं वो नहीं कहना चाहती थी। क्या पता कि ये कोई पर्सनल मीटिंग हो। कल तक तुम मेरी असिस्टेंट थी डेफ, तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सब जानती हो, या फिर ये कहूँ जानती थी। शायद मैं सब नहीं जान पाई सर। मिसाल के तौर पर मुझे फरियाल के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ चीजें मेरे लिए छोड़ दो। जी जी जरूर छोड़ देती। अब मैं नहीं रही तो मुझे सोचने की भी क्या जरूरत है ना? आपको जो करना है वो करें। क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को रोकने की कोशिश की थी डेफनी। यानी मुझे समझ नहीं आता कैसे कहूं, मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन तुमने जिद ठान ली समझने की, है ना? क्या मैं साफ साफ कहूं ये जाती हो? बोलो ठीक है, साफ बोल देता हूं। नहीं नहीं। क्यों क्यों डेफनी? चलो मुझे कायल करो। हम क्यों भूल भुलैया में फंसे हुए हैं? हम क्यों साफ बात नहीं कर पा रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सुन रहा हूं। नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती। सवाल मत पूछे ना प्लीज, कसम से ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन तुम ना चाहती तो ये ना होता डेफनी। बहरहाल हमें अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। benimle gel gülümse gel hayat bazen zor olsa da yine güzel भाई, क्या आप निहान को छोड़ा है? नहीं, इस बार उसने मुझे छोड़ दिया। क्या आपकी लड़ाई हुई थी? छुटकी, एक बात बताओ, क्या मैं अजीब सा दिखता हूँ? नहीं तो? क्या मैं मर्द जैसा नहीं लगता? क्या मैं रौबदार नहीं दिखता तुम्हें? शायद। क्या शायद? कैसे कहूँ मैं? भाई मान ले के बच्चों ने आपकी गर्दन में बॉल मार दी तो? मान लिया, अब? क्या आप उनको बॉल देना पसंद करेंगे या अपने साथ ले जाएंगे? क्यों नहीं वापस करूँगा, वो खेल रहे हैं बेचारे। इस तरह कुछ आदमी एक आदमी होने की तर्जुमानी करते हैं। नहीं नहीं, मुझे पहले अपनी हालत सुधारनी होगी।
कैसी हो डेफनी? ठीक हूँ बिल्कुल मैं शुक्रु भाई, आप कैसे हैं बताइए। जबरदस्त, मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे जाने का सुना बहुत दुख हुआ मुझे। गई हूँ लेकिन ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ कमरा बदल गया है। सिनान सर की असिस्टेंट हूँ मैं, लेकिन फिर भी। शुक्रु एक सेकंड, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। जी जरूर सर। लड़कियों सब ठीक तो है ना यहाँ पर? ठीक है, फिकर न करो, वो हमारे प्राइस पर तैयार हो गए हैं। साइन बोर्ड का क्या हुआ? मैंने अभी बात नहीं की, लेकिन मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तुम जानते हो मुझे, फिकर मत करो। वो ये सामान आप कार में भूल गई थी। हाँ वहाँ रख दो। शुक्रिया। और बात सुने, मेरी शर्ट शायद आपके वॉशरूम में रह गई है। हाँ वो तुमने बाथरूम में लटकाई थी, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगी। कल तुम्हें तुम्हारी कमीज मिल जाएगी, अब तुम जा सकते हो। वाह 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 वाह, सही जा रही हो। बाथरूम में कमीज लटकाने वाली बात क्या हो रहा है वैसे? ये बड़े मजे आ रहे हैं तुमको, है ना? मजा आ गया? मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। क्या हो गया, बकवास मत करो, उसने बस मेरी कुछ हेल्प की थी। क्या हेल्प की थी? ओफो सिनान, शावर टूट गया था सुबह, बस वही ठीक किया था उसने। बात शावर तक पहुंच गई। यार आज सुबह मैं शावर लेने जा रही थी, नल ठीक करते हुए उसकी कमीज भीग गई। नहीं 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 नहीं, मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहता, ये 18 प्लस बातें हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, माजरत, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा ये सारी बातें। ओह कोई खास बात नहीं है, बस मरम्मत की थी उसने और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। अरे वाह उदारिया, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी, मार डालूंगी इस बार मैं वाकई में तुम्हें, तुम हद पार कर रही हो। ठीक है मैडम, ये सब तो होता रहता है, वैसे वो अच्छा है, उसका स्टाइल भी अलग है। हाँ मेरी लग जाती, वाकई मेरी लग जाती मैडम। मैं अब तुम्हें दूसरी बार छोड़ूंगी नहीं, समझ में आई तुम्हें? बड़ा अच्छा है वो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उमर सर कॉल कर रहे हैं, लाइन बिजी है। ठीक है। ओ उमर, वाव कैसे हो? ओह बहुत हसीन लग रही हो, हमेशा की तरह आज भी। मतलब ये तारीफें सुनने के लिए मुझे तुम्हें दिलचस्पी नहीं दिखानी? मैं तो ये कहूंगा कि दिलचस्पी बनाए रखो तुम। अकेले नहीं आए? हेलो मैं फरियाल। मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं डेफनी हूँ, उमर सर की असिस्टेंट। चलो आओ उमर, गार्डन में चलते हैं। आओ सिनान आओ, आओ। उनकी आवाज वैसे फोन पर थोड़ी अजीब सी लग रही थी। मैंने कभी नरवीन को अपनी जिंदगी में इतना खामोश और पुरसुकून नहीं देखा है। वो कैसे? देखो जरा नरमीन, नरमीन डार्लिंग, देखो कौन आया है, आओ सिनान आओ। ये क्या हो रहा है? खुशी हुई कि आप आई नरमीन आंटी, मतलब मैं आया हूँ, मुझे यहाँ आने की खुशी हुई। अच्छी बात है। वैसे कैसी हैं आप, सब ठीक तो है ना? हाथ मांगने आए हो क्या? नहीं क्यों, हाँ गलत स्टार्टिंग कर ली ना मैंने। गलत स्टार्टिंग कर दी तुमने। वो नरमीन आंटी, हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो मैंने सोचा कि क्या हम इस खेल को खत्म कर सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैंने बात करना चाही थी, लेकिन वो मुनासिब नहीं लग रहा इसलिए। अरे मेरी जान साफ साफ बोलो ना, पुरसुकून हो जाओ, मुझे पता है। कैसे? मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो, जो भी कहना है आराम से बोलो। ठीक है बोलता हूँ, मतलब ये काम नहीं होगा नरमीन आंटी, मैं डेफनी से बात कर चुका हूँ, कोई उम्मीद नहीं है, हमें उमर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जेब नहीं देता, इसलिए मैं आपसे ये खेल खत्म करने की बात करने के लिए आया हूँ। क्या उमर डेफनी को पसंद करता है? नहीं कहना, नहीं कहना, मुझे लगता है नहीं कहना। नहीं मुझे नहीं लगता। फिर तुम सही कह रहे हो,
मतलब जैसे तुम कहो, लेकिन अब कोई खेल नहीं, सब खत्म। क्या? देखो, जैसे मैंने इस खेल को शुरू किया वैसे ही खत्म कर रही हूँ। अब मुझे डैफनी और उमर की कोई परवाह नहीं। कैसे? मतलब इतनी आसानी से? इतनी आसानी से? यानी दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, है ना नजमी? सिनान मेरी जान, क्या तुम्हें बस यही बात करनी थी? जी 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 जी, बस मैं इतना ही कहना चाहता था। अब आपकी इजाजत चाहता हूँ मैं। आप भी अपने खेल में मसरूफ हैं, खेलें आप, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। खेलें खेलें आप, आराम से खेलें। जाओ बेटा जाओ, इस सब के बारे में मत सोचो, हर कोई आजाद है। अरे नहीं, आप बैठे रहें, मैं चला जाता हूँ। मैं सिनान को जरा छोड़ के आता हूँ। आओ सिनान, चलो चलो। तुमने फैशन वीक के बाद से मुझे कॉल ही नहीं की। वैसे मुझे इन सब की आदत नहीं है। तुम तो मेरे दिमाग में थी लेकिन फंस गया था काम में। ऐसा नहीं है उमर, रूम में भी तुम बिजी ही रहा करते थे पर मुझे कभी नजरअंदाज नहीं किया। मौका नहीं मिलता, सच कह रहा हूँ। वैसे तुम्हारे पास बचने का कोई ना कोई बहाना होता ही है, हमेशा बस काम काम काम। फरियाल, आखिर तुमसे कौन बचना चाहता है? हद करती हो तुम। वो मुमकिन नहीं है, तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डेफनी पानी पी लो, बेहतर होगा। वो जरा खांसी हो गई मुझे, गले में कुछ अटक गया। क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं छोड़ दूं तो तुम पूरा दिन मेरे साथ बैठे रहोगे, है ना नजमी? लड़मी, तुमने सिनान से कुछ कहा और कर कुछ रही हो भाई, ये क्या है? अरे छोड़ो तुम सिनान को, हमें एक्शन लेना होगा। सिनान अब हमारी टीम में नहीं है, उसे मैंने टीम से बाहर निकाल दिया है। हाँ? हाँ ना, और क्या, वो था क्या, आके और उल्टा अपनी ही तकलीफें बता रहा था। उमर और डेफनी के साथ ऐसे ना करे, दफा हो यहाँ से। मतलब सिनान को तुमने टाला है? वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के अलावा करता भी क्या है, उसे जाने दो, हमें अब फोकस करना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं? मैं सुबह से इसी बारे में सोच रही थी। सोच रही थी? मतलब तुम ठीक हो, यानी तुम सोच रही थी? मुझे लगा था मेरी नरमिन पागल हो गई है। मेरी नरमिन सही है। अच्छा अच्छा, खुशी मनाना छोड़ो, अभी हम जीते नहीं है, हमें अपना अगला कदम सोचना होगा। मतलब तुम सोच लोगी? मतलब सोच लोगी तुम मेरी जान? वो तो मैं सोच ही लूंगी, ढूंढ ही लूंगी कोई रास्ता। हम कास्ट बदल लेंगे। हम कास्ट बदल लेंगे, क्या मतलब है तुम्हारा? अब देखो ना, यास्मीन का वैसे भी अब सिनान पर असर नहीं रहा। सिनान तो वैसे ही अब किसी काम का नहीं रहा, ऊपर से वो अपने दुखड़े सुनाकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है। उसे खेल से हटा के हम किसी नए को खेल में शामिल करेंगे। हमें अब किसी ऐसे शख्स को उमर की जिंदगी में दाखिल करना होगा जिसका उसकी लाइफ पर गहरा असर हो, मैंने अब ये सोचा है। नरमीन, मैं तुम्हें सुन नहीं पाता, सुनता हूँ तो समझ नहीं पाता और समझता हूँ तो गलत ही समझता हूँ तुम्हें हमेशा। मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो आओ। अच्छा आओ। जूते बहुत हसीन हैं, आई लव देम, और वैसे भी मुझे मेट्रो स्टाइल बहुत पसंद है। अपनी अम्मी के डांस शूज से इंस्पिरेशन ली है मैंने। ओ, ऐसा है क्या? जी हाँ। मॉडल भी अच्छी चुनी है, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है जूते को, इससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चुनी है, मेरा मतलब
हम इस काम में वाकई बहुत अच्छे हैं। तो उमर, मैं तुम्हें इन हसीन जूतों की खातिर माफ करने का सोच सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ लंदन चलो तो। लंदन फैशन वीक में हम ज्यादा चलते नहीं हैं। हम चाहते तो हैं, लेकिन अभी तक वहाँ लॉबी नहीं बना पाए। अरे तुम भी ना उमर, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बस लंदन आ जाओ। पेरिस में हम नहीं मिल पाए थे, शायद ये हमारा चांस हो, क्या पता लंदन में हम सेटल हो सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं बाहर चली जाऊं या कहीं भी जहां आप मुझे मुनासिब समझे भेज दे, क्योंकि यहां कुछ नोट किया जाए ऐसी बातें हो नहीं रही हैं। उमर लड़की शर्मा गई। सर और फरियाल मैडम के दरमियान क्या है तुम मुझे बताओ। आप जो सोच रही हैं। रुको रुको, मत बताओ ये, चलो बता दो। अरे हाँ, तुम्हें मालूम होगा, चलो बता दो ना मुझे, जल्दी करो। पक्का? अरे नहीं नहीं, मैं कसम से घूम घूम के उड़ जाऊंगी। तुम मुझे बता सकती हो क्या? तुम्हें बताए बगैर चैन नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताना चाहूँ तो बता दूंगी। देखो तुम्हारे इस रवैये ने ना मुझे पागल कर दिया है, ठीक है? अगर कुछ बताना है ना तो जल्दी बताओ मुझे, जल्दी करो, मैं सुन रही हूँ, जल्दी। वो दोनों एक दूसरे को फ्लर्ट करते हैं, लेकिन मामला सीरियस है या नहीं ये नहीं पता मुझे। नहीं हुआ होगा, मेरा मतलब ऐसा मुझे लगता है नहीं हुआ होगा। ये लोग आखिरी बार रूम फैशन वीक में मिले थे और उसके बाद आज मिले हैं, लेकिन उस दिन फरियाल मैडम उमर सर से नाराज लौटी थी। देखा देखा, उमर सर ने ना उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई होगी, यूं ही भेज दिया होगा, मेरा मतलब कि ऐसे ही, हाँ बिल्कुल भी नहीं कराई होगी लिफ्ट। हो सकता है, लेकिन लगता है वो दोबारा साथ होने वाले हैं। फरियाल मैडम ने आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और बोली आज शाम वो उमर के साथ होंगी। आज शाम कहाँ? पता नहीं, इवेंट पे या फिर डिनर में जाएं शायद। आए, नहीं, उमर सर के घर। तुमसे मिलके अच्छा लगा, कर लेते हैं इंटरव्यू, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब हम मिलते रहेंगे। अगली बार तुम मेरे घर आना, हमेशा मुझसे तवक्कु मत करो, तुम भी आओ। मैं तो कभी भी आ जाऊंगी। क्या आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। क्या कोई मसला है? नहीं कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया उनके पास, मतलब शेड्यूल के लिहाज से। चलें फिर मिलेंगे, ख्याल रखना। बाय सर, फिर मिलेंगे। इधर आओ तो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो अब सुनो, डेफनी शुरू से ही हमारे साथ है। उमर के पास हमारा आदमी सिनान था, जिसने अपने जज्बातों में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। बेशक सिनान एक रोमांटिक लड़का है। हाय नजमी, कैसा रोमांटिक, उफ बच्चा है वो, उसका दिमाग नहीं चलता अभी। अच्छा। अरे नजमी, अगर हम अपने जज्बातों पे चलने लगे तो गए काम से। अल्लाह ने दिमाग दिया है, अकल दी है, वो अकल इस्तेमाल करने को दी है, जंग लगाने को नहीं। तुम समझ रहे हो ना हमें आगे क्या करना है मेरी जान? नरमीन, मैं तुम्हें सुन नहीं पाता, सुन पाता हूँ तो समझ नहीं पाता, और समझता हूँ तो गलत ही समझता हूँ। उमर के पास हमारा बंदा सिनान क्योंकि गेम से बाहर हो चुका है, तो हमें उसकी जगह किसी और को डालना होगा। और वो उसके करीब रहेगा, वो उसके जज्बातों को राह दिखाएगा, उसे फैसले करवाएगा, हम में से होगा वो कोई अपना बंदा। लेकिन उमर तुम्हें नौकरी नहीं देगा। अगर मैं वहाँ होता तो एक दिन में बाहर कर देता उसे। अरे अगर मैं वहाँ काम करने लगी तो एक ही दिन में यास्मीन को बाहर कर दूँ, इसीलिए ये काम तुम करोगे। नरमीन,
तुम्हें पता है मुझे काम वाम करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जैसे दूसरों को तो बहुत पसंद होता है ना काम करना, है ना नाजमी? अरे क्या तुम उसके चाचा नहीं हो? तुमसे बेहतर उसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। इसका मतलब सिनान खेल से बाहर। तैयार हो जाओ नाजमी। जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरी जान। ये लोग क्या काम करते हैं? अरे नाजमी जूते की कंपनी चलाते हैं, तुम्हें नहीं मालूम क्या? तुम तो अव्वल नंबर के काहिल इंसान हो। खवातीन के जूते वगैरह का काम करते हैं ये। डेफनी से खोलो जरा। वो क्यों? खोलो तो सही। जब मैं और उमर साहब शॉपिंग कर रहे थे जब लिया था ये। कल खरीदा था, आज नहीं। लॉन्च से पहले। समझ गई, समझ गई। खाओगे नहीं क्या? अभी नहीं खाऊंगी शुक्र भाई, मेरी भूख पिट गई। निशान ताशी ले चलो। जरूर। आई, आई, क्या हो गया? हटाओ उसे, हटाओ, हटाओ, हटाओ। अरे रिलैक्स रिलैक्स, आराम से। हटाओ उसे। रुके रुके हटाता हूँ। अरे रिलैक्स हो जाओ, हटा रहा हूँ मैं। ये रहा। अरे छोटा सा कीड़ा था, आप तो घबरा गई। इतनी छोटी सी, मुझे तो लगा था कोई बड़ा कीड़ा है। शुक्रिया, मुझे लगा पता नहीं क्या था। काटा तो नहीं? क्या कहा? क्या मुझसे कुछ कहा आपने? शायद तुम कुछ कहने वाली थी। हाँ, कोई अहम बात नहीं थी। सोच रही थी कि फरियाल मैडम के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही। काम हो गया क्या आपका? क्या तुम काम में दिलचस्पी लेने लगी हो? तो क्या नहीं लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लो या मत लो, तुम्हारी मर्जी। बहुत खूबसूरत औरत है वो। हाँ। लास्ट ईयर फरियाल मैडम के साथ रूम में थे, शायद आपके बीच में कुछ हुआ था। हाँ और क्या, आपकी पर्सनल लाइफ है, मुझे क्या। वो तो फरियाल मैडम का जिक्र आया तो मुझे तुमसे फरियाल के बारे में बात नहीं करनी है। हाँ, सिर्फ फरियाल, मिस फरियाल नहीं। तो आपके बीच आप जनाब भी नहीं है। हम क्यों रुके हैं? क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। क्या कहना चाहूंगी, कुछ नहीं कहना चाहती मैं। मैं तो सिर्फ बात कर रही थी, बटन प्रेस कर रही थी। मुझे तुम्हें समझाने की कोशिश छोड़नी होगी क्योंकि ये नामुमकिन है। जैसे आपको आसान लगे, आप खुली किताब की तरह है माशाल्लाह, पलट पलट के पढ़ते रहो। डेफनी, ओ उमर, अच्छा हुआ तुम मिल गए वरना मैं तो वापस जा रहा था। आ गया चाचा, आ गया, चले मेरे कमरे में चलते हैं। मैं तो हसीन हूँ, कितनी जहीन हूँ, जहानत से अपनी सबको हरा दूँ। मैं अपनी ताकत से उस नागिन को कुचल दूँ। हसीन हूँ, अमीर हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। या 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 अपने पाँव से उस नागिन को कुचल दूँ। या 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 नरमी, या या नरमी, या या
नरमी या नरमी। बाबा जान, मैंने सोचा गार्डन से बहुत अच्छा किया आपने, उधर से नहीं तो इधर से आ गए। मीने मैं क्या कह रही हूँ, चुप कराओ। बाबा अच्छा किया आप आ गए। ओहो, फिर सौंफ वाली चाय? जी बाबा जान, सौंफ वाली चाय। चलिए बाबा जान। बाबा जान यहाँ बैठिए। ठीक है, बस करो बस करो। रुकिए बाबा, इसे मैं खींच देती हूँ। मैं अपने बैठने की जगह ढूंढ लूंगा। ये बैठ गया। अरे बाबा जान, आप बैठिए। चलो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। ठीक है बाबा जान। देखो निर्माण उमर के बाबा बाद। जान बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बाबा उमर, जान खुशी हो रही है आने की आपकी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन उमर। बाबा जान मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे बताने दो कि हुआ क्या है। मैं उमर के बारे में बात कर रहा हूँ। उमर की ही बात करते हैं। जी बाबा जान, उमर की जिंदगी में कौन है? उमर की जिंदगी में मैं हूँ, उसके चाचा नजमी है, सिनान है। गर्लफ्रेंड? उसकी गर्लफ्रेंड कौन है मुझे ये बताओ, उसके बारे में कुछ अफवाहें आ रही हैं। मुझे तो ये बातें समझ में नहीं आ रही नरवीन। बाबा जान मैं यहाँ की FBI गॉसिप प्रेसिडेंट हूँ, आपने कैसे कहाँ से क्या सुन लिया? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? बात सुनो नरवीन, मैंने ये फैसला किया है, मेरे मरने से पहले उमर की शादी हो जानी चाहिए। तुमसे तो ये काम होने वाला नहीं है। जल्दी से बताओ मुझे ये लड़की कौन है, या फिर मैं खुद उसे तलाश कर ढूंढ कर लाऊंगा। ठीक है बाबा जान, मैं आपको तफसील से बताती हूँ। वो लड़की आपसे पुरानी तो नहीं, लेकिन एक बहुत पुराने इस्तांबुल के घराने की बेटी है। आगे बताओ। वो इस्तांबुल के एक बहुत ही पुराने तारीखी मोहल्ले में रहती है, और उस लड़की की एक बहुत ही पुरानी हवेली है। समझ रहे हैं ना बाबा जान, उस हवेली में वो बहुत ही शान से रहती है। बहुत अच्छे, आगे बोलो। हाय, वो लड़की बहुत ही सलीकेमंद है, सुघड़ है, खुदा की कसम उठना बैठना जानती है, बात करने का तरीका आता है उसे, बहुत शाइस्ता गुफ्तार है वो, यानी उमर के लिए परफेक्ट है वो। तुम सच कह रही हो ना? बाबा जान मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। ठीक है, अब ये बताओ कि मैं उससे कब मिल सकता हूँ। बाबा जान बहुत जल्द मिलेंगे आप उससे। बहुत अच्छे, जिंदगी में पहली बार तुमने मुझे खुश किया है। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे तो आपने सरप्राइज कर दिया, मैं शॉक्ड हो गई हूँ। ठीक है बस उस लड़की से मुझे जल्दी मिलवाओ, जरा मैं भी तो देखूं आखिर वो है कौन, और फिर उसके बाद हवेली हुई तुम्हारी। मेरी है बाबा जान, मेरी है। चलो फिर इसी बात पर एक घूंट पी ही लेते हैं। बहुत जल्द आपसे मिलवाऊंगी मैं। तो वो लड़की अच्छी है, तो तुम्हें वो लड़की पसंद आई ना? बिल्कुल बाबा जान। वाह उमर यार, जबरदस्त। ये जबरदस्त है भाई, बहुत ही शानदार। जी चाचा। भाई कल मैंने इसको बड़ी स्क्रीन पर देखा था, मैं तो कायल हो गया इस बात का, मैं तो मुतासिर हो गया। उमर ये लड़की कौन है आखिर? ढूंढो उमर इस लड़की को, है कहाँ ये लड़की आखिर? हम नहीं जानते चाचा, कोरे को मिल गई। आजकल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। आप ऑफिस क्यों आए थे? क्या मतलब है ऑफिस में काम बहुत है, कोरे को मिल गई है, मुझे नहीं मिल रही है। आखिर कोरे को ये मिली कहाँ से लड़की है, मुझे भी तो बताओ जरा, मुझे पता तो चले मिली कहाँ से आखिर ये। टेक्नोलॉजी का जमाना है चाचा, फोटोशॉप से इंसान ही बदल जाते हैं। ओरिजिनल फोटोज तो मैंने भी नहीं देखी। फोन तो करो कोरे को, पता तो करो लड़की मिली कहाँ से। अच्छा याद दिलाया, चले मैं फोन करता हूँ। कोरे मुझे जरा ओरिजिनल फोटोज भेज दो, तुम्हें पता है मैं देख नहीं पाया था। चलो ठीक है।
वाकई बहुत खूबसूरत है। देखो तो उमर जरा, देखो। हाँ पता नहीं, लेकिन इसका पोस्चर, बैठने का तरीका बहुत हसीन है, बहुत ही खूबसूरत, जैसे बहरहाल। क्या तुम्हें पसंद आई चाचा? आप मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई है। चाचा वो नहीं पूछ रहा, आप क्यों आए थे? अरे मैं भी लड़की में कहां खो गया था। अरे बैठो, असल में मैं यहां पे कुछ काम करना चाह रहा था और इसी काम के सिलसिले में तुम्हारे पास आया था। अरे उमर, जब मैं तुम्हारी चाची को संभाल सकता हूँ तो कोई भी काम चलेगा, मैं ऑफिस मैनेज कर लूंगा ये सारा, तुम बस काम बताओ मुझे। वो तो ठीक है चाचा, लेकिन आपको काम करना पसंद नहीं? हाँ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन असल में मैं और तुम्हारी चाची नरमीन जो है आपस में दिन भर बक 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 करके सारा दिन गुजार देते हैं, मैं इसलिए यहाँ आया कि रोज रोज की बक बक से बच जाऊं। जरूर चाचा जरूर, आप बस हुक्म करें, आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। मैं सिनान को कह देता हूँ। हाँ बता दो, आज से तुम्हारा चाचा यहाँ काम करेगा, बता दो। अरे देखो जरा ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है ये लड़की, आखिर ये पता करना पड़ेगा आखिर ये है कौन। इसकी जिससे भी शादी होगी वो इसको दिन भर पेंटिंग की तरह अपने सामने बिठा के देखता रहेगा। क्या कहते हो हैं? हेलो सिनान सर। डेफनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या वाकई? हाँ, मैंने नरमीन आंटी से बात कर ली है, तुम्हें अब उमर से शादी नहीं करनी पड़ेगी, तुम आजाद हो। क्या मतलब? अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, असल डेफनी को बाहर आने दो, तुम बच गई हो, खुशी मनाओ इस बात की। लेकिन मेरे कर्ज का क्या होगा? वो शायद तुमसे उस बारे में बात कर ले, लेकिन तुम मुझे उसकी खबर कर देना, ठीक है? समझ गई ना? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ यानी मेरे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम 200,000 लीरा है, देखते हैं कि उस पहाड़ को कैसे गिराऊंगी। और फिर? और फिर क्या? खैर छोड़े, मैं उसे भी नरमीन मैडम से डिस्कस कर लूंगी। अरे ठीक है ठीक है, तो फरियाल के साथ कैसा रहा? अरे मत पूछे, बहुत शानदार। फरियाल मैडम भी माशाल्लाह ऐसी औरत हैं कि मैं बैठी हूँ जबकि सामने कोई परवाह नहीं, बिंदास बातें कर रही थी। ओ, ऐसा है क्या? तुम्हें जलन हुई क्या? अरे नहीं भाई, मैं क्यों जलने लगी सर उमर से, मैं क्यों उनसे जलूंगी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं मैं दूसरी औरत से जलने की बात कर रहा था। हाँ, एक औरत की हैसियत से तो मैं उससे जली, झूठ नहीं बोलूंगी, आखिरकार एक खूबसूरत औरत थी, है ना, क्या कर सकते हैं। अच्छा हाँ पार्टनर, ठीक है आ रहा हूं। सही, मैं बस अभी आया। अल्लाह अल्लाह, क्या हो रहा है? वैसे ये खेल कैसे खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, उफ।